नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मेरा नाम है शेखर द्विवेदी। दोस्तों, 26 साल की महिला डॉक्टर के साथ हुई दिल दहला देने वाली दरिंदगी को लेकर देश गुस्से में था। लोग जल्द से जल्द इंसाफ की मांग कर रहे थे, लेकिन इसी बीच खबर आई कि शुक्रवार की सुबह तड़के हैदराबाद पुलिस ने खुद ही इंसाफ कर दिया। बताया गया कि ये चारों आरोपी भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी पुलिस ने चारों को गोली मार दी। एनकाउंटर हुआ तो अलग अलग तरह के रिएक्शन आए। ज्यादातर लोग खुश थे तो ओवैसी जैसे लोग इस बात से दुखी। ओवैसी को इस बात का दुख लगा, उन्होंने एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने इसके खिलाफ बोलने का फैसला किया और पुलिस पर ही सवाल उठा दिए। ओवैसी ने क्या कहा वो बताने से पहले ये जानना जरूरी है कि संसद में हर मुद्दे पर बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात रखने वाले ओवैसी सदन में प्रियंका रेड्डी के मर्डर के बाद कुछ नहीं बोले, वो भी तब जबकि पूरी वारदात हैदराबाद की ही थी और ओवैसी खुद भी हैदराबाद से ही आते हैं। तब ओवैसी की खामोशी ने सबको हैरान किया था। अब जब पुलिस ने इंसाफ किया तो ओवैसी सबसे पहले बोले। उन्होंने एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए कहा कि अभी अभी पूरे मामले के बारे में सुना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक हर एनकाउंटर की जांच होनी चाहिए। इस मामले में राज्य सरकार बहुत एक्टिव थी। असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम चंद्रशेखर राव के बयान का भी जिक्र किया और कहा कि सीएम ने कहा था कि ये लोग जानवर बन चुके हैं, हमें अल्पकालिक उपाय नहीं करने चाहिए। उन्होंने कहा था कि हमें महिला सुरक्षा के लिए अनुकूल माहौल बनाने की आवश्यकता है। लेकिन ओवैसी अकेले नहीं है। दूसरी ओर बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने भी बेहद सधे हुए अंदाज में सही अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक पत्रकार के ट्वीट को रीट्वीट किया है और अब इसे ही उनकी प्रतिक्रिया माना जा रहा है। यहां कहा गया है कि यह न्याय नहीं है, पुलिस ने कानून तोड़ा है, यह खतरनाक है। ऐसे में न्यायिक प्रक्रिया का क्या मतलब है? अब पुलिस ने कानून तोड़ा है, जबकि पुलिस का कहना है कि यह सभी आरोपी भागने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस के खिलाफ ही हमलावर थे। ऐसे में पुलिस ने गोली चलाई तो क्या गलत किया? वैसे भी संसद में इस बात को लेकर ही सवाल खड़े हुए कि क्या, और किसी सांसद ने कहा कि क्या पुलिस वालों को जो पिस्टल या बंदूकें दी जाती हैं वो क्या सिर्फ सैंपल के तौर पर दी जाती हैं या फिर शो पीस के तौर पर देखी जाती हैं? ओवैसी और स्वरा के बयान आपको क्या जायज लगते हैं? क्या आपको लगता है कि इन्हें भी निर्भया के कातिलों की तरह जेलों में पाला जाना चाहिए था? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर इसके अलावा कुछ और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल वीके न्यूज को सब्सक्राइब न किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।